हेलो गाइस, कैसे आप लोग? आई होप आप लोग सब बढ़िया होंगे। इसके आपको भी कुछ इस तरह का फोटो एडिटिंग करना सीखना है तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहे। और चैनल पर पहली बार आए तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे रख देना डेली इसी तरह का कंटेंट देखने के लिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए गाइस लेट्स टू बिगिन इन द वीडियो। लेट्स टू करना क्या गाइस, पिक्सआर्ट पे चले जाना। पिक्सआर्ट में जाने के बाद करना क्या मैं बता देता हूं। यहां से चले जाना हम प्लस वाले सेक्शन पे, एडिट फोटो पे, बैकग्राउंड को ऑपरेट कर लेना पिक्सआर्ट ऐप में। तो मैं कर लेता हूं फटाक से। इस तरह से बैकग्राउंड को ओपन करने के बाद करना क्या है मैं बता देता हूं। बैकग्राउंड पीएनजी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन दे रखा, वहां से जाकर इजीली डाउनलोड कर सकते हो मेरे लिंक से। अगर नहीं कर पा रहे तो गाइस करना क्या, मैंने इसकी भी ऊपर एक वीडियो बना रखा है जो कि आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मेक श्योर गाइस वीडियो देख ले, आपके लिए हेल्पफुल होगा। उसके बाद करना क्या है, स्क्रॉल अप करके चले जाना, ऐड फोटो पे एक काइट का पीएनजी मिल जाएगा, उसको भी ऐड कर लेना है। तो मैं कर लेता हूं। इस तरह से ऐड करने के बाद करना क्या, फुल स्क्रीन कर लेना हम लोग को। फिर इस पार्ट पर हम लोग को अच्छे से एडजस्ट करके स्क्रीन पर किधर भी टैप कर लेना है। फिर से चल जाना हमको ऐड फोटो पे और एक टेक्स्ट पीएनजी मिल जाएगा, उसको भी ऐड कर लेना है। तो मैं कर लेता हूँ। इस तरह से टेक्स्ट पीएनजी को ऐड करने के बाद करना क्या, फुल स्क्रीन कर लेना है और कुछ इस पार्ट पर हम लोग को अच्छे से एडजस्ट कर लेना है। फिर स्क्रीन पर किधर भी टैप करके चल जाना हमको ऐड फोटो पे। अब हम लोग को मॉडल के फोटो को ऐड कर लेना है। तो मैं कर लेता हूँ। अगर आपको मॉडल का बैकग्राउंड यूज करना नहीं आता तो मैंने इसकी भी ऊपर एक वीडियो बना रखा है जो कि आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मेक श्योर गाइस आप वो वीडियो देख ले, आपके लिए हेल्पफुल होगा। उसके बाद करना क्या है, इस तरह से एडजस्ट कर लेना है हम लोग मॉडल के फोटो को। अब करना क्या है मैं बता देता हूँ। यहाँ से स्क्रीन पर किधर भी टैप करके चले जाना ऐड फोटो पे और हम लोग को एक पीएनजी मिल जाएगा, उसको भी ऐड कर लेना है। तो मैं कर लेता हूँ। इस तरह से मैं ऐड कर लेता हूँ। इस तरह से ऐड करने के बाद करना क्या है, कुछ इस पार्ट पर अच्छे से एडजस्ट कर लेना है। इस तरह से एडजस्ट करने के बाद करना क्या है, और एक मैं इधर एडजस्ट कर लेता हूँ। इस तरह से मैं एडजस्ट कर लेता हूँ फटाक से। देख सकते हो मैंने इसको एडजस्ट कर लिया। फिर स्क्रीन पर किधर भी टैप करके चल जाना ऐड फोटो पे और एक पीएनजी को ऐड कर लेना है जो कि ये रहेगा। इसको ऐड करने के बाद करना क्या है, इसको जस्ट इतना जूम आउट कर लेना है और इस पार्ट पर हम लोग को अच्छे से एडजस्ट करके लगा देना है। से लगाने के बाद करना क्या, स्क्रीन पर किधर भी टाइप करके फिर से चल जाना ऐड फोटो पे और एक पतंग का पीएनजी मिल जाएगा, उसको भी ऐड कर लेना। तो मैं कर लेता हूँ। कुछ इस तरह से जूम कर लेना और जस्ट हम लोग को फ्लिप एंड रोटेट जाके जस्ट इधर फ्लिप कर लेना हम लोग को। कुछ इस पार्ट पे अच्छे से एडजस्ट कर लेना। फिर स्क्रीन पर किधर भी टाइप करके चल जाना ऐड फोटो पे और एक पीएनजी मिल जाएगा पतंग का, उसको भी ऐड कर लेना है। तो मैं कर लेता हूँ। इस तरह से करने के बाद करना क्या, जस्ट इधर हम लोग को ड्रैग करके प्लेस कर लेना, इरेजर पे चल जाना, रेस पे चल जाना, हार्डनेस कम कर लेना, जस्ट बॉडी के ऊपर को इरेज कर लेना। इस तरह से इरेज करने के बाद करना क्या है, यहाँ से डन कर लेना है। फिर हमको यहाँ से डन करके बैक हो जाना है। अब करना क्या, फिर से चल जाना है ऐड फोटो पे। ऐड फोटो पे जाने के बाद गाइस एक मिल जाएगा हम लोग को स्मोक का पीएनजी, उसको भी ऐड कर लेना है जो कि ये रहेगा। इसको कुछ इतना फुल स्क्रीन कर लेना है और इस पार्ट पे हम लोग को अच्छे से एडजस्ट करके इसको लॉक करके चल जाना ब्लेंड में स्क्रीन। और यहाँ से हम लोग को हल्का सा ऑपेसिटी को कम कर लेना है। तो मैं कर लेता हूँ। और यहाँ से डन करके बैक हो जाना है। अब करना क्या, फिर से चल जाना ऐड फोटो पे, एक पार्टिकल का पीएनजी मिल जाएगा, उसको भी ऐड कर लेना है। तो मैं कर लेता हूँ। इस तरह से करने के बाद करना क्या, फुल स्क्रीन कर लेना है, स्क्रॉल अप करके चल जाना है उनको ब्लेंड में, यहाँ से स्क्रीन कर लेना है, यहाँ से डन कर लेना है। अब करना क्या, फिर से चल जाना ऐड फोटो पे, एक लाइट का पीएनजी मिल जाएगा, उसको भी ऐड कर लेना है जो कि ये रहेगा। कुछ इतना जूम कर लेना है, फिर स्क्रॉल अप करके चल जाना है ब्लेंड में स्क्रीन, नीचे ट्रैक करके हम लोग को ऑपेसिटी पर जाकर यहाँ से ऑपेसिटी कम कर लेना है, यहाँ से डन। देख सकते हो गाइस कंप्लीट हो गया है। तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, पीएनजी को छूटा तो नहीं, यहाँ से इस तरह कर लेना, पीएनजी और ऐड कर लेना है जो कि ये रहेगा। इसको कुछ इस तरह से फुल स्क्रीन कर लेना और इसको करके चल जाना हमको ब्लेंड में, और यहाँ से स्क्रीन, फिर यहाँ से डन करके बैक हो जाना। देख सकते हो पिक्सआर्ट का काम खत्म हो गया था। फोटो को सेव करने के लिए करना क्या होगा, इसको लॉक करके चल जाना डॉट टूल पे, थ्री डॉट पे सेव इमेज। अब ये फोटो को हम लोग ओपन करना है लाइट रूम ऐप में, नहीं तो सुनिए। देख सकते हो गाइस मैंने इसको लाइट रूम में ऐड कर लिया। आप करना क्या होगा, थोड़ा सा फोटो को रिटच करने के लिए चल जाना हम लोग को प्ले टेम्परेचर वाला आइकन पे, और ऐसे जस्ट वाइब्रेशन को बढ़ा लेना है और टेम्प को हम लोग को जस्ट ब्लू टोन पे रख लेना है कुछ इतना। और यहाँ से मिक्स टूल पे जाके ऑरेंज कलर का सेचुरेशन को कुछ इतना डाउन कर लेना है और लुमिनस को कुछ इतना बढ़ा लेना है। फिर हम लोग को येलो कलर पे जाके कुछ इतना डाउन कर लेना है और यहाँ से डन करके बैक हो जाना है। फिर हम लोग को यहाँ से चल जाना है लाइट्स वाले सेक्शन पे, उसके यहाँ से कॉन्ट्रास्ट को बढ़ा लेना है, यहाँ से हाईलाइट्स को कुछ इतना कम कर लेना, शेडो को बढ़ा लेना है, वाइट को कम कर लेना है, ब्लैक को बढ़ा लेना है हल्का, ब्लैक को भी कम रख लेना है। फिर यहाँ से हम लोग को चल जाना है नेक्स्ट टूल पे, विग्नेट को कुछ इतना कम कर लेना है, क्लियरिटी को कुछ इतना बढ़ा लेना है 10%। फिर उसको ऊपर चल जाना है नेक्स्ट टूल पे, शार्पनिंग बढ़ा लेना है, नॉइस रिड्यूशन बढ़ा लेना, क्लोन नॉइस रिड्यूशन। फिर हम लोग को चल जाना है टेम्परेचर वाला आइकन पे, यहाँ से फिर से चल जाना मिक्स टूल पे,
हैं ऐसे रेड कलर का, ऐसे रेड कलर का सेचुरेशन को हल्का सा प्लस कर लेना है। फिर ग्रीन कलर का ह्यू को हल्का सा डाउन कर लेना, फिर ब्लू कलर का भी कुछ इतना डाउन कर लेना। तो यहाँ से डन, देख सकते हो गाइस क्या मस्त लग रहा है फोटो। फोटो को सेव करने के लिए करना क्या होगा मैं दिखा देता हूँ एक बार, बिफोर आफ्टर। ये देखो बिफोर, ये देखो आफ्टर। फोटो को सेव करने के लिए करना क्या होगा, शेयर वाले आइकन पर क्लिक करके सेव टू डिवाइस कर लेना है, फोटो सेव होना स्टार्ट हो जाएगा। तो कैसा लगा वीडियो गाइस कमेंट बॉक्स में बताना, ना भूलना चैनल पे पहली बार आए तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे रख देना डेली इसी तरह का कंटेंट देखने के लिए। और यहाँ तक वीडियो देखे तो गाइस इस वीडियो को लाइक करके जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।